हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अल्पना बुआ। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट टू मी। सालों से गार्डनिंग का काम कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत जानकारी मिला। जो जानकारी मिला वही बात शेयर करने के लिए मेरे चैनल में वीडियो डालती हूँ, ताकि आप लोगों को गार्डनिंग के लिए थोड़ा बहुत सहायता मिले। गार्डनिंग के लिए थोड़ा बहुत जानकारी अवश्य रखना चाहिए, तभी पौधा अच्छा से ग्रो करेगी, मनचाहा ग्रोथ मिलेगी। आज मैं लाई हूँ ये समर सीजन में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करने वाला ये पौधा की क्या टिप्स लेकर। ये पत्ते वाला फूल है, पत्ते की सुंदरता के लिए ये पौधा बगीचे में ऐड करते हैं। बहुत ही सुंदर प्यारी प्यारी पत्ते इसका इसका पत्ते की साइड साइड में ग्रीन होते हैं और बीच में सिल्वर कलर का एक लाइन होते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके पत्ते। ये एक फ्रंट प्लेन है, इसको कई नामों से जाने जाते हैं। ये पौधे के नाम पेटेरिस कटिका, सिल्वरलेस फान, रिबन फान और कई नामों से जाने जाते हैं। ये एक समर सीजन में ग्रो होने वाला इंडोर प्लेन है। इस समर सीजन में ये पौधे के ग्रोथ बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए आप लोग ये पौधे को बगीचे में ये बारिश का सीजन में ही ऐड कीजिए, तभी तो पौधे बहुत ही अच्छा से ग्रो करेगी। ये इंडोर प्लेन, इसीलिए आप लोग ये पौधे को सीधे सीधे धूप में मत रखिए, छांव में रखिए, ब्राइट एरिया में, तभी तो पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। सीधे सीधे धूप में रखने से ये पौधे के पत्ते सूख जाएगी, धीरे धीरे पौधे मर जाएगी। आप लोग ये पौधे को रूम में भी रख सकते हैं। रूम में रखने से आप लोग ये पौधे को ऐसे जगह रखिए ब्राइट लाइट हो, जैसे खिड़की के सामने। सिर्फ रूम का जो नॉर्मल रोशनी है वही में रखने से पौधे अच्छी तरह ग्रो नहीं करेगी। ये है पौधे का लाइट लोकेशन, यानी पौधे को कैसे जगह में रखने चाहिए। ये पौधे को आप लोग हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और नॉर्मल पॉट में भी लगा सकते हैं। मैं ये पौधे को हैंगिंग बास्केट में ही लगाया हूँ। हैंगिंग बास्केट में लगाने से बहुत ही खूबसूरत लुक्स देते हैं, क्योंकि इसका पत्ते जब बड़ी होगी तब तो ये पौधे के पत्ते नीचे झुक जाते हैं, ऐसे करके पूरा पत्ते लंबे लंबे होते हैं बड़ी होने से और नीचे झुक जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने से जब पौधे बड़ी होगी पत्ते नीचे झुक जाएगी, बहुत ही सुंदर लुक्स देते हैं, इसीलिए मैं हैंगिंग बास्केट में ही लगाया हूँ। अभी आती हूँ ये पौधे के लगाने के लिए गमलों का मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे मिट्टी तैयार करने से पौधे अच्छे से ग्रो करेगी। ये पौधे को लगाने के लिए गमले का मिट्टी में एक हिस्सा नॉर्मल मिट्टी, एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा खाद, कोई भी खाद ले सकते हैं आप लोग, सूखे गोबर का खाद या ब्राह्मी कंपोस्ट, और एक हिस्सा आप लोग कोकोपीट लीजिए। कोकोपीट लेने इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पौधे का ग्रोथ अच्छा होने के लिए गमले का मिट्टी मॉइस्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है। कोकोपीट पानी होल्ड कर रखते हैं, इसीलिए जब भी हम लोग पानी डालूँगी गमले का मिट्टी थोड़ा मॉइस्ट रहेगी, तभी तो बार बार पानी देने का आवश्यकता नहीं होते हैं, दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे आप लोग ये पौधे के लिए गमले का मिट्टी तैयार कर लीजिए। ऐसा मिट्टी तैयार करके ये पौधे को लगाने से बहुत ही अच्छे से पौधे ग्रो करेगी, आपका बगीचा का शोभा बढ़ाएगी। अभी आती हूँ इस पौधे के पॉट का मिट्टी में कैसे पानी डालना चाहिए। ये पौधे के गमले का मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखना जरूरत है अच्छी ग्रोथ होने के लिए। हाथ से सूखकर देखिए, हल्की सी मॉइस्ट रखना चाहिए। मॉइस्ट रखना का ये मतलब नहीं है आप लोग पूरा पानी डालिए, गमले का मिट्टी गीला कर दीजिए, ऐसे मत कीजिए। ऐसे करने से पौधे का जड़ ज़्यादा पानी मिलने से गल जाएगी, पौधे मर जाएगी। सिर्फ हल्की सी मॉइस्ट रखना जरूरत है, और आप लोग जब भी पानी डालिए भरपूर मात्रा में डालिए। गमले का नीचे वाला मिट्टी भीग जाए, गमले का दोनों छल से पानी निकल जाए, ऐसे डालिए। ये है पौधे को पानी डालने के बारे में। अभी आती हूँ ये पौधे को बीच बीच में देने वाला खाद के बारे में। ये पत्ते का फूल है,
प्रत्येक का सुंदरता के लिए बगीचे में लगाए जाते हैं। कोई भी प्रत्येक का फूल होने से आप लोग नाइट्रोजन वाला लिक्विड खाद डालिए गमले का मिट्टी में हर 15 दिन के अंदर अंदर, तभी पौधे का ग्रोथ अच्छी होगी और प्रत्येक का ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी। ब्राह्मी कंपोस्ट और सूखे गोबर का खाद में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होते हैं, इसीलिए आप लोग ब्राह्मी कंपोस्ट और सूखे गोबर का खाद से लिक्विड खाद बनाकर हर 15 दिन के अंदर अंदर ये पौधे की गमलों का मिट्टी में डालिए। ये लिक्विड खाद देने से आगे आप लोग गमले का मिट्टी में पानी मत डालिए। गमले का मिट्टी सूखने से ही ये लिक्विड खाद डालिए, तभी पौधे का जड़ ने ये लिक्विड खाद बहुत ही अच्छी तरह ले सकेगी, पौधे का ग्रोथ अच्छी होगी। लिक्विड खाद देने के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं होगी और दिक्कत होगी तो आप लोग हर महीने एक बार एक मुट्ठी करके सूखे गोबर का खाद या ब्राह्मी कंपोस्ट गमले का मिट्टी में डालिए, तभी भी पौधा का ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। ये ह्यूमिडिटी लविंग पौधे है। ये पौधे के अच्छे ग्रोथ पौधे का सामने लिया में थोड़ा मॉइस्ट रखना जरूरत है। बारिश वाला दिन छोड़कर आप लोग बाकी दिनों में जब धूप ज़्यादा होगी गर्मी ज़्यादा होगी तब ये पौधे को आप लोग सुबह और शाम को दो बार पौधे की पत्तों में पानी स्प्रे कीजिए। ऐसे करने में आप लोगों को दिक्कत होगी या टाइम नहीं मिलेगी, तब आप लोग गमले के पास या गमले के नीचे पानी का प्लेट या एक बाउल में पानी लेकर गमले के पास से रख दीजिए, तभी पौधा बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगी। मॉइस्ट एरिया में एक पौधा और ड्राई एरिया में सेम पौधा रखकर देखिए, एक महीने ही पौधे का ग्रोथ आप लोगों को नजर आएगी। अभी आती हूँ इस पौधे से नए पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं या ले सकते हैं। इस बारिश का सीजन में ये पौधे से बहुत ही छोटा छोटा नया पौधे निकलते हैं। ये देखिए ऐसे छोटा छोटा पौधा निकलते हैं। ये सारा आप लोग साखू लेकर जोर के साथ काट लेने से नया पौधा हो जाएगी, नहीं तो आप लोग जब भी इसको रिपोर्ट करें तब इसको अलग अलग करके नया पौधा ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है सिल्वरलेस फार्म का क्या टिप्स। ये सारा करके देखिए आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी और सालों साल आपका बगीचा का साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये परमानेंट पौधे है। समर सीजन इसका ग्रोइंग पीरियड है, लेकिन विंटर इसका ग्रोथ थोड़ा रुक जाते हैं, इसीलिए विंटर सीजन में आप लोग इस पौधे को ठंडा एरिया में मत रखिए। ज़्यादा ठंड मिलने से पौधे मर भी सकते हैं, इसीलिए आप लोग ये पौधे को विंटर सीजन में कोई पौधे के झुंड में रखिए, तभी ठंड कम मिलेगी। आज के लिए आती हूँ। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो न्यू व्यूअर्स वो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तभी मैं जब मेरा चैनल में नए नए पौधे के क्या टिप्स लेकर वीडियो डालूँगी तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।